हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो इंजन कूलेंट लीकेज प्रॉब्लम। दोस्तों हमारे पास एक गाड़ी आई थी जिसका कूलेंट बार बार कम हो रहा था। ओके मैम, आपको बताऊंगा कि वो कूलेंट कहाँ से कम हो रहा था, जो कि हमने देखा उसको पाइप को हमने फिर चेंज किया। दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम इसको कूलेंट निकाल लेना है इसका। कूलेंट निकालने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक पाइप होता है छोटे वाला, एल्बो पाइप होता है, उससे वहाँ से थोड़ा सा माइनर लीकेज होता रहता है, जो कि हमें पता नहीं लगता है। कूलेंट बोतल में से कूलेंट कम होता रहता है। दोस्तों सबसे पहले हमने इसकी एक सेंसर पत्ती होती है, इसमें इसको खोल लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्पेस थोड़ा कम है, क्योंकि हमें पाइप को चेंज करना है। उस प्रकार से ये वाला पाइप लीकेज था इसका, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा सा और यहाँ से लीकेज करने लग जाता है एल्बो की साइड से। पहले हमने प्लास लेके इसको क्लिप को पीछे कर लेना है। क्लिप पीछे करने के बाद ये आराम से धीरे से उतर जाता है, यहाँ पे हाथ लगाने की जगह नहीं होता है, थोड़ा धीरे से निकालना होता है। पैच के इसके साइड निकालने की चोड़ मार के या कैसे जस्ट इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों हमने निकाल लिया, देखो यहाँ से ये सॉफ्ट हो जाता है और यहाँ से फूल भी जाता है थोड़ा सा, और यहाँ से लीकेज होना स्टार्टिंग हो जाती है। बस तो पाइप बदले हम, ये पाइप हमारा लगभग 170 रुपये का है। पहले मैं लोगों वहाँ से साफ करेंगे जहाँ पे कार बनाया हुआ है, रेगमार की सहायता से दोनों साइड से अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद उसको वहाँ पर ना बोर्ड लगाएंगे। एना बोर्ड लगाने के बाद हम उसको वहाँ पे दोबारा फिट करेंगे। दोस्तों ये हमने एनामोल लगा दिया इस पे दोनों साइड, और अब पाइप को लगाएंगे। क्योंकि हमेशा एनामोल एल्बो पे ही लगानी चाहिए, पाइप में ही लगानी चाहिए, तो ये हमने एल्बो पे पाइप लगा दिया है। तो और ये क्लिप भी लगा दिया हमने इसको, दोनों क्लिप को अच्छे से। और दोस्तों इसमें हम कूलेंट डाल देंगे, हम टॉप अप करते हैं कूलेंट जितना इसका निकाला था हमने। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना।
और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।